नमस्कार। कांग्रेस आला कमान से नाराजगी के चलते मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सभी 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने सभी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में चली जाती है और कमलनाथ सरकार गिर जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुमत साबित किया और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना ली। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का मध्य प्रदेश में कामयाब हो गया। कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि पिछले माह जुलाई में भी कांग्रेस के 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और वो सभी 3 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के एक विधायक राजेश शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दिया था, जिसकी वजह से अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने उस विधायक राजेश शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे करके टोटल 27 सीटें मध्य प्रदेश की खाली हो गई। 25 सीटें तो वो थी जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और 2 सीटें जिनमें से एक जोरा जहां पर कांग्रेस के विधायक का निधन हो गया था और दूसरा आगार जहां पर बीजेपी के विधायक का निधन हो गया था। टोटल 27 सीटें मध्य प्रदेश असेंबली की खाली हो गई। अब इन सभी सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के जो झंडे गाड़े जा रहे हैं जीत के। और अब इन 27 सीटों में से जो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं वो अकेले सिंधिया जी के कब्जे में हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस पूरे 27 सीटों के समीकरण को समझने के लिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा एक सर्वे की गई, और इस सर्वे में राष्ट्रीय लोधी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी करते हुए बता दिया है कि उपचुनाव में जब इन 27 सीटों पर उपचुनाव होगा तो किसकी जीत कौन सी सीट पर होने वाली है। वैसे बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो 25 विधायक कांग्रेस से अपना पद से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनमें से 14 को अभी से ही मंत्री बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री पद पर रहने के लिए 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है, यानी कि एमएलए बनना जरूरी होता है, और ऐसे में उनको विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की उन 14 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलना है, वो तय है। इसका कारण ये है कि जनता भी समझती है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए सिर्फ 8-10 सीटों की जरूरत है। 107 का आंकड़ा बीजेपी का खुद का है। एक सपा के जो राजेश शुक्ला हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी फिलहाल विधायक हैं, क्योंकि सपा के 2 ही तो विधायक थे, 2 में से 1 बीजेपी में गए, तो इसकी वजह से 1/3 विधायक गए हैं, और इस कारण जो दल बदल का कानून है वो सपा के इस विधायक पर नहीं लागू हुआ। ऐसे में 108 का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी के पास मौजूद है। पूर्ण बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 116 का। 27 में से सिर्फ 8 सीटें यदि बीजेपी कमल खिला लेती है उन 8 सीटों पर, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार है वो स्थिर बनी रहेगी। लेकिन अब 14 सीटों पर ही बीजेपी की तरफ से मंत्री पद दे देना कहीं ना कहीं जनता को एक बड़ा उपहार देना है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि मंत्री पद के लालच में अब मध्य प्रदेश की जनता भी इन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने वाली है। और इसका प्लस पॉइंट एक ये भी है कि बीजेपी के वोटर तो है ही हैं, इसके अलावा सिंधिया समर्थक जो वोटर हैं वो भी अब बीजेपी के साथ आएंगे। ये एक तरह से माना जा सकता है कि बड़ा गेम यहाँ पर बीजेपी खेल चुकी है, जिसकी वजह से शिवराज सिंह सरकार है वो आसानी से ये चुनाव है वो जीत लेगी। फिलहाल समीकरणों की शुरुआत करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक एक सीट की जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको वो 2 सीटें बता रहा हूँ। एक जोरा जहां पर कांग्रेस के विधायक की अकस्मात निधन हो गया था, वो सीट जोरा सीट निश्चित तौर पर फिलहाल जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ऐसे में राष्ट्रीय विरोधी सट्टा बाजार ने जोरा सीट के लिए 1.40 रुपए का भाव कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया, यानी कि ये जीत तय है, यहाँ पर कांग्रेस की जीत लगभग तय है।
दूसरी बात करें अगार सीट की, तो अगार सीट पर बीजेपी के विधायक का निधन हुआ था और फिलहाल भी अगार सीट पर कमल ही खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने स्पष्ट कह दिया है कि सट्टा बाजार के अनुसार 1.80 रुपए का भाव अगार सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पर मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, क्योंकि जिस जो अन्य भाव हैं वो 1.80 रुपए से ऊपर हैं और फिलहाल अभी तक उपचुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई है। कोई सट्टा बाजार अपने भाव और अपने सीटों के अंतर में भी काफी ज्यादा एक तरह से परिवर्तन करेगा, लेकिन फिलहाल 1.80 रुपए का भाव सबसे कम बीजेपी के उम्मीदवार को मिल रहा है अगार सीट पर। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगार सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अन्य जहां पर जो इस्तीफे दिए गए उन सीटों के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ग्वालियर सीट की चर्चा करें तो प्रद्युमन सिंह तोमर को बीजेपी ने ग्वालियर सीट पर उम्मीदवार बनाया है। प्रद्युमन सिंह तोमर कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, फिलहाल शिवराज सरकार में भी उनको मंत्री बना दिया गया है। बीजेपी से प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर सीट पर उम्मीदवार हैं और प्रद्युमन सिंह तोमर को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1.60 रुपए का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफ़ी कम है। ऐसे में ग्वालियर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, फिलहाल वो मंत्री बन चुके हैं। ग्वालियर पूर्व जहां पर मुन्नालाल गोयल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, ये भी कांग्रेस से रिजाइन देकर के बीजेपी में शामिल हुई हैं, सिंधिया समर्थक विधायक हैं। ग्वालियर पूर्व की सीट पर मुन्नालाल गोयल को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1.95 रुपए का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। इस तरह से ग्वालियर पूर्व सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। डबरा सीट पर अनुसूचित जाति से इमरती देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, ये पहले भी मंत्री थी कमला सरकार में भी, अब इनको बीजेपी की शिवराज सरकार में भी मंत्री बना दिया गया है। डबरा सीट पर इमरती देवी की जीत पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1.70 रुपए का भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। ऐसे में डबरा सीट भी इमरती देवी के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बमोरी की तरफ बढ़े तो महेंद्र सिंह सिसोदिया पहले भी मंत्री थे और बीजेपी ने भी इनको मंत्री बना दिया है। शिवराज सरकार में मंत्री पद होने की वजह से महेंद्र सिंह सिसोदिया 1.45 रुपए का भाव सट्टा भाव से प्राप्त कर रहे हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफ़ी कम है। ऐसे में बमोरी सीट महेंद्र सिंह सिसोदिया के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुर्खी सीट की चर्चा करें तो गोविंद सिंह राजपूत जो पहले भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे, अब बीजेपी की सरकार में भी वो मंत्री बन चुके हैं। शिवराज सरकार ने गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार सुर्खी सीट पर गोविंद सिंह राजपूत की जीत पर 1.55 रुपए का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से काफी कम है, इसलिए सरकी सीट भी अब बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डाल दी है। सांची सीट पर 80 से प्रभुराम चौधरी हैं, जो पहले भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे और अब भी बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। सांची सीट पर प्रभुराम चौधरी की जीत पर 1.10 रुपए का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफ़ी कम है। ऐसे में सांची सीट प्रभुराम चौधरी कब्जे में ले लेंगे, यानी कि सांची सीट पर बीजेपी कमल खिला रही है। सांवेर सीट भी अनुसूचित जाति से हैं, तुलसीराम सिलावट यहां पर मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। तुलसीराम सिलावट को 1.02 रुपए का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस से काफ़ी कम है। कुल मिलाकर के तुलसी सिलावट के माध्यम से सांवेर सीट भी बीजेपी कब्जे में करती हुई दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार सांवेर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुमावली की तरफ बढ़ें तो ऐदल सिंह कंसाना यहाँ से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, फिलहाल इनको शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी बना दिया गया है। सुमावली सीट पर ऐदल सिंह कंसाना की जीत पर 1.35 रुपए का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। सुमावली सीट भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। मुरैना सीट से रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार का भाव काफ़ी कम है, 1.65 रुपए का भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। ऐसे में रघुराज सिंह कंसाना यहाँ पर कमल नहीं खिला पाएंगे, मुरैना कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है।
दिमनी सीट की बात करें तो गिरिराज डंडोतिया यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शिवराज सरकार में उनको मंत्री भी बना दिया गया है। दिमनी सीट पर गिरिराज डंडोतिया की जीत पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1.50 रुपये का सट्टा भाव दे रहा है। ऐसे में दिमनी सीट गिरिराज डंडोतिया के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अम्बा जो अनुसूचित जाति की सीट है, कमलेश जाटव यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ये सीट कांग्रेस के हाथों में चली गई है। कांग्रेस उम्मीदवार का भाव 1.40 रुपये फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश जाटव से काफी कम है। ऐसे में अंबा सीट है वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मैगांव की तरफ बढ़े तो ओपीएस भदौरिया बीजेपी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार हैं और शिवराज सरकार में उनको मंत्री भी बना दिया गया है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे ओपीएस भदौरिया, फिलहाल ओपीएस भदौरिया की जीत पर 1.20 रुपये का भाव सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफी कम है। ऐसे में मैगांव सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। गोहद की चर्चा करें तो अनुसूचित जाति से रणवीर जाटव को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है, जो सिंधिया के दाएं हाथ भी माने जाते हैं। रणवीर जाटव को गोहद सीट पर जीत के लिए 1.10 रुपये का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में गोहद सीट भी रणवीर जाटव के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बांडेर सीट की चर्चा करें तो ये भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। संतराम सिरोनिया यहाँ से उम्मीदवार है, लेकिन बीएसपी का गढ़ है बांडेर सीट। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर होने वाली है। बीएसपी के उम्मीदवार को 1.60 रुपये का सट्टा भाव राष्ट्रीय प्रदेश सट्टा बाजार ने दे दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी से कम है। ऐसे में बांडेर सीट को बसपा के खाते में डाल दिया गया है। करेरा की तरफ बढ़े तो यह भी अनुसूचित जाति की तरफ जो रिजर्व सीट है, और जसमंत जाटव छितरी वाले यहां से जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और यहां पर कांग्रेस की जीत दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 1.35 रुपये का सट्टा भाव दिया जा रहा है। करेरा सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने फिलहाल कांग्रेस के खाते में डाल दिया है। जसमंत जाटव छितरी कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर में रहेंगे। दूसरी तरफ पोहरी की तरफ बढ़े तो पोहरी से सुरेश धाकड़ को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। पोहरी से जो सुरेश धाकड़ उम्मीदवार हैं वो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में पोहरी सीट पर सुरेश धाकड़ की जीत पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1.90 रुपये का सट्टा भाव दे रहा है, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बसपा से कम है। ऐसे में पोहरी सीट सुरेश धाकड़ के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अशोकनगर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जसपाल जस्सी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 1.50 रुपये का सट्टा भाव यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो जसपाल जस्सी से कम है। ऐसे में अशोकनगर सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मुंगावली सीट से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। मुंगावली सीट निश्चित तौर पर 1.30 रुपये के सट्टा भाव के साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव के जो हाथों में डाल दी गई है, उनके बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। मुंगावली सीट पर बीजेपी कब्जा करने जा रही है। अनूपपुर भी अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है। बिसाऊ लाल सिंह को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। लाल सिंह को अनूपपुर सीट पर जीत के लिए 1.25 रुपये का सट्टे भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार से कम है। अनूपपुर सीट निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। आठ पिपलिया सीट से मनोज चौधरी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का जो सट्टा भाव है वो कम चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए 1.40 रुपये का सट्टा भाव आठ पिपलिया सीट पर है। ऐसे में आठ पिपलिया सीट कांग्रेस के खाते में फिलहाल सट्टा बाजार द्वारा डाल दी गई है। बदनावर की तरफ बढ़े तो राज्यवर्धन सिंह को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है बदनावर सीट पर, जो फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। बदनावर सीट पर राज्यवर्धन सिंह की जीत पर 1.45 रुपये का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो कांग्रेस और बसपा से कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बदनावर सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। सुवासरा सीट पर दीप सिंह डंग को उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। हरदीप सिंह डंग की जीत पर सुवासरा सीट पर 1.60 रुपये का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो कांग्रेस और बसपा से कम है। ऐसे में सुवासरा सीट पर हरदीप सिंह डंग की जीत निश्चित मानी जा रही है। सुवासरा सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में डाल दी गई है।
नेपा नगर अनुसूचित जाति जो रिजर्व सीट है, सुमित्रा देवी जो फिलहाल ही जुलाई माह के अंदर कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, इन्हीं को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। नेपा नगर पर ₹1.20 का सट्टा भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। ऐसे में सुमित्रा देवी की हार यहां पर निश्चित हो सकती है, वरना कांग्रेस के साथ एक बड़ी टक्कर भी हो सकती है। नेपा नगर सीट ₹1.20 के सट्टा भाव के साथ कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मलहेरा सीट की तरफ बढ़े तो प्रद्युमन सिंह लोधी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पिछले महीने जुलाई में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और फिलहाल मलहेरा सीट पर ₹1.70 का भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां बड़ी टक्कर रहने वाली है, या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ फिलहाल राष्ट्रीय प्लस सट्टा बाजार का झुकाव है और मलहेरा सीट कांग्रेस के खाते में डाली जा रही है। मतदाता सीट की चर्चा करें तो नारायण सिंह पटेल यहां से फिलहाल ही कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, कांग्रेस से रिजाइन देकर के, और कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदाता सीट पर जीत के लिए ₹1.95 का भाव दिया जा रहा है। नारायण सिंह पटेल यहां पर कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर में रहेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय प्लस सट्टा बाजार ने मतदाता सीट को कांग्रेस के खाते में ₹1.95 के भाव के साथ डाल दिया है। इस तरह से टोटल बीजेपी 17 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस 9 सीटों पर और बसपा 1 सीट पर कब्जा कर रही है। 27 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी राष्ट्रीय प्लस सट्टा बाजार के अनुसार कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आपने प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट में देखा, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीट फिलहाल प्लोदी सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा 9 सीटें कांग्रेस के खाते में भी डाल दी गई है और 1 सीट है वो बसपा के खाते में डाल दी गई है। कुल मिलाकर के 27 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 27 सीटों में से 17 सीटों पर कमल खिलता हुआ फिलहाल प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दिखाई पड़ रहा है और 9 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए 27 की 27 सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी है, जो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार है वो नहीं बन पाएगी। और यही कारण जनता में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार तो बना नहीं पाएगी, इसलिए अपना वोट क्यों खराब करें। ये जो मनसा जनता की बन चुकी है, इसकी वजह से स्पष्ट देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 8 सीटें ही यदि जीत लेती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मत का आंकड़ा शिवराज सरकार है वो हासिल कर लेगी। लेकिन 14 सीटों पर मंत्री पद देना कहीं ना कहीं बीजेपी ने उपचुनाव से पहले एक बड़ा गेम खेल लिया है। फिलहाल प्लोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर आपको कितना भरोसा है, कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना ही, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।